Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक पेशेंट के रिजल्ट के बारे में जिन्होंने आज से 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट कराया था। आज की वीडियो भी केस स्टडी पे होने वाली है। एक्चुअली ये रिजल्ट स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नेचुरल नहीं आ सकता। हो सकता है उन्होंने आज तक इतने नेचुरल रिजल्ट नहीं देखे होंगे, तो आज की वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि शायद ये रिजल्ट देख के आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाए। आपने मेरे रिजल्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। आपको जैसे बताया था, मैंने अपना ट्रांसप्लांट लगभग 1-1.5 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया था। 3000 ग्राफ लगे थे मेरे, लेकिन जो आज रिजल्ट आप देखने वाले हो वो रिजल्ट मुझसे भी ज्यादा बेटर मुझे लगता है और शायद आपको भी लगेगा। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वीडियो में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था जून 2019 में। एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम थी फ्रंटल हेयर लॉस की। हेयरलाइन इनकी बहुत ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, टेम्पोरल पॉइंट में थोड़े बहुत पीछे जा चुके थे। 27 ईयर ओल्ड इनकी एज थी। ग्रेड 3 से 4 के बीच में इनका बॉल्डनेस था। अगर आप इनके एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी देखो तो आपको थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही होगी। ऑल दो इनकी एग्जिस्टिंग हेयर में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे पीआरपी वर्क करती है, मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले बताया गया है। तो इनको एग्जिस्टिंग हेयर के लिए पीआरपी दे दी गई थी। अब आफ्टर सर्जरी की हम बात करें तो इनकी आप देख सकते हैं फोटोज़ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हेयर लाइन इनकी बनाई गई है जो इनके फेस को बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। 3000 ग्राफ लगाए गए हैं। FUE टेक्निक से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। आफ्टर 1 वीक की हम बात करें तो आप फोटोज़ में देख सकते हैं इनके ब्लड क्लॉट्स फुली रिमूव हो चुके हैं। मेक श्योर कि अब आप वॉश करें आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट तो जॉनसन बेबी शैम्पू से वॉश करें और बहुत ज़्यादा जेंटली वॉश करें। काफ़ी लोग हमसे ये पूछते हैं क्या हम ट्रांसप्लांट के बाद कैप पहन सकते हैं, तो जी हाँ, आप ट्रांसप्लांट के 7 दिन बाद कैप पहन सकते हो, लेकिन आपको लूज कैप पहननी है। मेक श्योर आप जो कैप पहनो देर शुड बी अ गैप बिटवीन योर स्कैल्प एंड द कैप। अब आफ्टर 1 मंथ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं शेडिंग फेज आ चुका है। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, शेडिंग फेज 15 दिन से लेके 2 महीने तक चलता है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ जाते हैं। आपको एक बात ध्यान देनी है, जिस दिन आपके ब्लड क्लॉट फुली रिमूव हो जाएंगे उस दिन से आपको मिनोक्सिडिल लगाना स्टार्ट कर देना है। 2 बार आपको मिनोक्सिडिल लगाना है। काफ़ी लोग हमसे ये भी पूछते हैं क्या हम ट्रांसप्लांट के बाद हेलमेट पहन सकते हैं, तो जी हाँ, आप ट्रांसप्लांट के बाद हेलमेट पहन सकते हो, लेकिन आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद आप हेलमेट पहन सकते हो। अब आफ्टर 2 मंथ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं शेडिंग फेस पूरा फिनिश हो चुका है। नए नए पतले पतले बाल आने लगे हैं, जितने बाल झड़ गए थे उतने झड़ चुके हैं। काफ़ी लोग डर जाते हैं, उनको ये लगता है कि जो ये पतले बाल हैं ये हमेशा पतले ही रहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ टाइम के साथ साथ ये पतले बाल मोटे होने लगते हैं। आने वाले पार्ट में आप वीडियो को देखोगे, इन पेशेंट के केस में भी ये पतले बाल मोटे हो गए थे, आप आने वाले टाइम में देखोगे अभी वीडियो में। आफ्टर 3 मंथ की हम बात करें तो अब आपको रियल ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। जैसे मैंने आपको 2nd मंथ वाले फेज में बताया था कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो टाइम के साथ मोटे होने लगते हैं, वीडियो में आपको दिख रहा होगा वो मोटे होने लगे हैं और आने वाले पार्ट में आप देखोगे वो और भी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। हेयरलाइन का अब विजिबल होने लगी है हेयरलाइन, और जो हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी थी वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर के साथ मैच होने लगी है। अब बात करें जहाँ तक हम डोनर एरिया की, तो आप डोनर एरिया भी देखिए फुली हील्ड हो चुका था। कोई बोल नहीं सकता इनको देख के कि इनके पीछे से डोनर एरिया से कभी ग्राफ्ट निकाले गए होंगे। आप देखिए इनकी हेयरलाइन बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ब्यूटीफुल बनाई गई है। काफ़ी लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम ट्रांसप्लांट के कितने टाइम बाद हेयर कट ले सकते हैं, ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो जहाँ तक बात हम एग्जिस्टिंग हेयर की करें तो आप ले सकते हो हेयर कट आफ्टर 2 से 3 महीने, लेकिन जहाँ तक बात हम ट्रांसप्लांटेड हेयर की करें तो आपको कम से कम 7 से 8 महीने रुकना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने तो रुकना ही पड़ेगा। 6 महीने से पहले आप ट्रांसप्लांट हेयर को मत कट करिए बिकॉज उससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट की केस की हम बात करें तो 3 महीने के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है। और आप एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी देखो, पुराने जो क्राउन एरिया में थे वो थोड़ी बहुत बढ़ने लगी है। मैंने आपको पहले ही बताया था पीआरपी दे दी गई थी इनको ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो उस वजह से इनके जो एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी थी वो अब बढ़ने लगी है। अब आफ्टर 4 मंथ की हम बात करें तो अब आपको खुद ही दिख रहा होगा कितनी ब्यूटीफुल इनकी हेयरलाइन हो चुकी है, कितनी बढ़िया ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी हो चुकी है। सिर्फ 4 महीने हुए हैं। काफ़ी लोग मुझे पहले कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे जब मैं चैनल में अपना रिजल्ट शो करता था कि 4 महीने के हिसाब से यार आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आया है। तो इनका रिजल्ट देखिए, इनका रिजल्ट मेरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इनका रिजल्ट लगता है। 4 महीने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमारे पास हज़ारों रिजल्ट ऐसे हैं जो इनसे भी और मेरे से भी ज़्यादा बेटर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेसी इशू के कारण सिर्फ 5% पेशेंट ही रेडी होते हैं कि आप हमारे पे वीडियो बना सकें। आई विश कि मैं उनके रिजल्ट भी आपको शो करता। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आने वाले टाइम में उनके रिजल्ट शो करने की, लेकिन उनका थोड़ा प्राइवेसी का इशू रहता है तो हम उनके रिजल्ट शो नहीं कर पाते। मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ जो अपना केस स्टडी के लिए रेडी होते हैं और
कोशिश करते हैं कि अपना रिजल्ट लोगों के साथ शेयर करें। आप इन पेशेंट की फ्रंटल हेयरलाइन देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेटर आई है। सिंगल हेयर ग्राफ का ही इस्तेमाल किया गया फ्रंटल हेयरलाइन में। डोनर एरिया एक बार देख लीजिए कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से हील्ड हो चुका है। अभी भी बहुत अच्छी डेंसिटी डोनर एरिया में इनकी अवेलेबल है। फ्रंटल हेयरलाइन की डिज़ाइन इस हिसाब से किया गया है कि इनके फेस को मैच करे। सिंगल हेयर ग्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया। फाइनल रिजल्ट देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उस पर प्रेस कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आएगी जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी। अब आफ्टर 6 मंथ की ओर बढ़ते हैं, तो अब आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कितना अच्छा इनका रिजल्ट आया है। आप खुद ही देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल इनकी हेयरलाइन बनाई गई है। डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इनकी। पर्सनली मुझे इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी भी अब बहुत ज़्यादा मैच हो रही है ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ। मतलब आप ये देखिए, ये उन रिजल्ट्स में से है जो आपने, आई डोंट थिंक सो, आपने बहुत कम ऐसे रिजल्ट देखे होंगे इन द इंटरनेट, और आप किसी भी क्लिनिक में विजिट किया होगा ऐसे रिजल्ट देखने को बहुत कम मिलते हैं। मैंने खुद हज़ारों रिजल्ट देखे हैं, ये रिजल्ट उनमें से हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। अब आप इनकी एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। PRP इनको सिर्फ एक दी गई थी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उसके बाद कोई PRP नहीं दी गई है। ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने मिनोक्सिडिल 6 महीने तक इस्तेमाल किया है, दिन में 2 टाइम, एंड बायोटिन 10 mg की टैबलेट ली गई है। फिनिस्टाइड इनको बिल्कुल मना था, फिनिस्टाइड इन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। डोनर एरिया इनका फुली हील्ड हो चुका है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनकी हेयरलाइन का डिज़ाइन, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा थी जो लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं वो नेचुरल हेयर की तरह कभी नहीं आ सकते, ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट आएगा वो आपके नेचुरल बालों के जैसा नहीं आ सकता। मैं मानता हूँ उतना 100% परफेक्शन नहीं आ सकता, लेकिन आज की डेट में ट्रांसप्लांट इतना पॉसिबल है कि आपको एक अच्छे एस्थेटिक और अच्छा लुक दे पाए। पेशेंट की डेंसिटी अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। पेशेंट से अगर आप पूछो, ही इज़ वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, एंड पर्सनली यार मुझे ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये केस था 3 से 4 ग्रेड के पेशेंट का। आने वाले टाइम में मैं आपको 5th ग्रेड के पेशेंट का भी दिखाऊंगा। 1st, 2nd ग्रेड के पेशेंट का आपको पुरानी केस स्टडीज में दिखा चुका हूँ। 7th ग्रेड के पेशेंट का भी रिजल्ट मैंने आपको एक बार शो किया है रिसेंट वीडियो में। अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी तो प्लीज़ वीडियो देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप प्लीज़ जाके 7th ग्रेड के बोल्डनेस की वीडियो ज़रूर देखिए। सो गाइस, ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज़ दोबारा से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी केस स्टडी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हेयर ट्रांसप्लांट के टॉपिक पर आने वाली है, जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।